नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा से भारतीय ट्राइबल पार्टी के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष देवचंद मावी से आज क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव 2023 में बीटीपी नेता देवचंद मावी की क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और आचार संहिता लग चुकी है। एक तरफ भारतीय जो पार्टियां हैं, विशेष तौर से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इसके अलावा भी जैसे क्षेत्रीय पार्टियां कह सकते हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने दमखम है वो लगा रखा है। कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी के लिए भी अपने आवेदन कर चुके हैं और पूरा दमखम है वो दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं कुशलगढ़ विधानसभा। कुशलगढ़ विधानसभा से हमारे वर्तमान में साथ हैं देवचंद जी मावी, भारतीय ट्राइबल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि विशेष तौर से जिले के अंदर अब की बार क्या भूमिका रहेगी, भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुद्दे क्या है और एजेंडे क्या है, यहाँ क्षेत्रीय लोगों की मांग क्या है, तो करते हैं बातचीत। मावी साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज आप चल करके हमारे घर आए हैं जी। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पार्टी के जो एजेंडा और प्रोटोकॉल और पार्टी की गाइडलाइन आपको पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक छोटू भाई वसावा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाबी वसावा और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोघरा जी, हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल यही साहब कि आज आदिवासी क्षेत्र में जो मुद्दे जो संविधान में गाइडलाइन में दे रखे हैं वो अभी तक धरातल पे लागू नहीं हुए। भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो एजेंडा यही है कि दबे कुचले गरीब किसान मजदूर ऐसे लोगों से रूबरू जाकर के ने इन्होंने देखा हमारे छोटू भाई ने और उनको समझा कि आज तक आज़ादी से लगातार आज तक ये लोग अभी तक गरीबी रेखा में नीचे क्यों हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि हम हमारे भारत देश के जो किसान आदिवासी मजदूर गरीब तबके के जो लोग हैं इनके लिए ना कुछ हम आवाज़ उठाएं। तो हमारी पार्टी की यही आवाज़ है, यही एजेंडा है कि आज तक जो किसान हैं इनका सही मूल्य दाम अभी तक नहीं मिला है। वो किसान आज मेहनत कर करके ने मतलब उसको समर्थन मूल्य सही नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज़ नंबर दो पे कि जो हमारे संविधान में लिखा है कि जिस क्षेत्र में जो आदिवासी एरिया है वो किसान और मजदूर है और ट्राइबल एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए उन दोनों सरकारों ने, हम तो दोनों के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, अभी तक बारी बारी से उन्होंने राज किया, केंद्र पे किया और राज्यों पे किया। तो उन लोगों ने ऐसा सोर्स नहीं बनाया अभी तक जिन मजदूरों को बाहर प्लानिंग के रोकने के लिए, जहाँ जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनके लघु उद्योग जहाँ लगने थे, यहाँ इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिली तो उनको मतलब लघु उद्योग तरफ व्यापार तरफ जोड़ने थे, वो अभी तक नहीं हुआ। मावी साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके पास सबकी बार जिस प्रकार से आप जिला अध्यक्ष हैं बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी है, आपको लगता है जिस प्रकार से जो पार्टियाँ हैं नेशनलाइज पार्टियाँ हैं वो आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, पिछली बार भी आपने यहाँ कैंडिडेट उतारे थे अपने बांसवाड़ा में और सफल भी नहीं हो पाए, अब की बार क्या भरोसा है आपको? अब की बार क्या है, देखो हमने हमारे मुद्दे लेकर के हमारे मतलब फील्ड में हमारे गांवों में पंचायतों में हम जा रहे हैं और यही लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारी पार्टी का एजेंडा यही है। आज तक दोनों पार्टियों ने मतलब झूठे वायदे करके वोट तो ले लिए कांग्रेस और बीजेपी ने, 5 साल उन्होंने राज कर लिया, शासन भी कर लिया, बल्कि जो लोगों को मुद्दे थे वो मुद्दे सही पर उन्होंने काम नहीं किया, वो झूठे वादे करके ने वोट लेकर के ने उन्हें सरकार भी बना ली। आज बच्चे युवा पढ़े लिखे नौकरी के लिए भटक रहे, मजदूर भी दर ठोकरी खा रहे, क्यों हम फील्ड में थे, हम गांव में रहते, हमको पता है आज मजदूरी के लिए सूरत गुजरात भटकने पड़ रहा है, वहाँ पर भी क्या है इनके रोज़गार कोई लोग ढंग से मिल जाते हैं तो उनको पैसा देते नहीं थे, वो भी बेचारे वहाँ रखड़ कर वापस आते हैं, हमारे पास आते साहब हमारे काम करा लिया और हमको पैसा नहीं दिया गया। तो हमारी पार्टी का यही मुद्दा। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से भारतीय ट्राइबल पार्टी का अपने अगर 2018 के अंदर आगाज हुआ, राजस्थान के अंदर दो विधायक बने आपके, वर्तमान में ये पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई है,
बीएपी प्लस इसके अलावा इससे निकल चुकी है, और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में जो आपके जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसकी फूट है स्पष्ट नज़र आ रही है, उसको ले उसकी एक तरह से लगी, उसको कैसे बुझाओगे, उसका कोई सुलह का रास्ता अपनाया या उनका जाने का वजह क्या वजह रही उनकी? यही तो साहब, ये दो विधायक भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले जीते और टेम्पो का निशान सिमुल पे जीत करके नहीं गए विधानसभा में, और इन्होंने उनका मानस क्या बना, फिर बाद में उन्होंने ड्रामा किया वो तो यही जाने, और हमारे जो प्रदेश और केंद्र वाले जाने। अब हम तो क्या, हमारे ज़िले में हमने काम जो किया और कर रहे हैं ना, हम जिले से और हमारे यहाँ मतलब है, अब इन लोगों ने ड्रामा किया और पार्टी बनाई, वो इनसे हमारे कोई लेना देना नहीं। अब हमारी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, हम तो इसी का काम कर रहे हैं। 2018 के अंदर पार्टी का आगाज होता है और वापस 2023 का चुनाव आता है, पार्टी दो भागों में बंट जाती है, तो इसका सीधा असर आपको लगता है जो आम लोग हैं उन पार्टी के प्रति उनके क्या भाव रहेंगे? लोगों की भावना ये है, बीटीपी को ही जानते हैं साहब ने, अभी तक लोगों के यही जो भी है, बल्कि हमारी बीटीपी पार्टी हमारे मुद्दे उठा रही है ना, अब ये कर रहे हैं इनको पार्टी अलग बने, वो तो हमारे इनसे लेन देना कोई नहीं, अब स्वतंत्र है सब, अब कौन क्या लड़ सकता है, बाप बेटा भी लड़ सकता है, इसके लिए आप किसको रोके हम? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन की बात चल रही है। अच्छा, मतलब ऊपर से हमारे जो गाइडलाइन मिलेगा और ऊपर से केंद्र और राज्य से कोई मतलब समझौता होता है तो हम मानेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम मतलब हम तो ऊपर हमारे जो पदाधिकारी जो है इनकी गाइडलाइन पे चलते हैं ना, वो जैसे हमको निर्देश देते हैं वैसा हम काम कर रहे हैं। विशेष तौर से जब भी अगर कोई पार्टी नई उभरती है या अपने नेशनल पार्टी है, आज तक किसानों पे, युवाओं पे, बेरोजगारों पे दाव खेलते रही है। आपकी अगर सरकार तो कह ही नहीं सकते क्योंकि आपकी 17 सीटें हैं, कल लास्ट में कहीं इनके समर्थन करना पड़ेगा, फिर भी अगर आपके यहाँ विधायक चुने जाते हैं तो क्या वास्तव में यहाँ कुछ परिवर्तन होगा? ज़रूर होगा साहब, क्योंकि मतलब आज बच्चों को रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए है ना ताकना पड़ रहा है, मुँह देखना पड़ रहा है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, ज़मीन गिरवी रख करके इन बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को मतलब आगे बढ़ाए, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, तो वो तो वाजिब मांग है ना। अब जिन सरकार जो कांग्रेस बीजेपी की रही, इनको देखना था कि भाई हमने जो वोट लिए हैं इनका और जो अधिकार है हमको नौकरियाँ देने का, तो उनको मतलब अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया ना मतलब सही ढंग से ना धरातल पे। तो यहाँ पूर्ववर्ती सरकार जिस प्रकार से रही अपने, तो एक तरह से योजनाओं का पिटारा खोल दिया, तो आपको लगता है चैलेंज कर पाएंगे? योजना का पिटारा सर क्या है कि जो मोबाइल दिए तो मोबाइल की जगह कहीं मतलब कमाई का सोर्स देते, जैसे सिले मशीन है तो बिचारी मतलब यहाँ मतलब लेडीज़ हैं और ये बच्चियाँ मतलब कपड़े सी सकती है, अब मोबाइल से क्या खर्चा बढ़ रहा है ना, अब इनमें बैलेंस डलवाओ सी में देखना पड़ा, तो ये तो गलत है, हम इसको बाइकाट करते हैं, इसका ये विकास की बात नहीं है। और जो भी वो खाद्य पदार्थ दिया है वो क्या मतलब 2 महीना दिया और बस, मतलब इस प्रकार से जो योजना ऐसी बनती है कि मतलब पीछे वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को भी काम आवे, और पीढ़ी क्या कि इनकी कमाई का सोर्स बाहर नहीं भटके, ऐसा मतलब कुछ सरकार करे तो अच्छा है सब। यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वो बाहर जा रहा है, इसके बाद यहाँ उत्पादन जो किसान कर रहे हैं उनको यहीं मतलब कोई लघु उद्योग ऐसा मतलब सोर्स मतलब खोल करके ने हमारे जो मामा बालेश्वर दियार कहते थे कि एक बिजली के थंबे पे कारखाना लग गए तो यहाँ गांव के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवा पढ़े लिखे यहीं रोज़गार और धंधा करे, बाहर नहीं भटके, और बाहर जाएंगे तो क्या बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और वही बच्चे फिर वही हालत होती जाएगी। इसलिए हमारा ये मुद्दा यही है कि हमारे को जो ट्राइबल एरिया में जो प्रावधान है वो लागू कर दें और यहीं हमारा जो इन लोगों को रोज़गार, नौकरियां, धंधा लागू हो जाए। बांसवाड़ा ज़िले की 5 विधानसभा सीटें हैं, कितना परसेंट विश्वास है कि हम इतनी सीटों पे कवर कर पाएंगे? सब वैसे तो हमारा मतलब काम जो फील्ड में अच्छा है चल रहा है, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास ही हमारी वाले सीटें हम जीते, इस लगन से हमने काम किया और कर रहे हैं ना, हमारी उम्मीद तो यही है। पर अब इसमें क्या जनता जो भी कुछ है गड़बड़ा करती है वो तो जनता के हाथ में सर। ऐसा सुनने में आ रहा है कि देवचंद जी मावी है वो भी दावेदारी पे प्रस्तुत कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था कुशलगढ़ विधानसभा और अब की बार भी कहीं न कहीं दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगभग टिकट फाइनल माना जा रहा है, क्या कहें इसके लेके? सब इसमें क्या है कि हमने तो हमारे पदाधिकारी ऊपर छोड़ दिया है ना, जब हमने मेहनत इसलिए की कि हम लोग हमारी जनता हमारे क्षेत्र में हम आवाज़ उठा सकते हैं और हम विधानसभा में जा कर के ने जो भी जनता की समस्या है वो अवगत कराए, और जो भी सरकार बनती है या हमारे मतलब मिलकर सरकार बनेगी तो हम मतलब हमारे लोगों के लिए कुछ काम कर पाएंगे, जो हमारे आज आज़ादी से लगा करके 77 साल तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ वो हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे
और राजकुमार ने भी आवाज़ उठाई सर, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारा मेन प्रावधान है उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। कुशलगढ़ में ऐसा क्या अलग करवाना चाहते हैं, अगर यहाँ आप विधायक अपने लोगों को जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे अगर आपको यहाँ टिकट मिल जाती है और आप चुनाव लड़ते हैं? मेरा तो पहला तो यही है साहब, किसानों के लिए, किसान क्या है कुशलगढ़ में नो कमांड एरिया माना जा रहा है और बारिश का पानी बारिश में बह के समुद्र में जा रहा है। किसी भी अभी तक विधायक सांसद और सरपंच और प्रमुख ने किसी ने मतलब ये फाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई है कि बारिश का पानी रोक करके चेक डी अनिकट तलावड़ी और बारिश का पानी रोक करके किसान को सब्जी फल फ्रूट दूध डेयरी से जोड़ करके यहाँ आए और उत्पादन पैदा करे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं। क्यों नो कमांड के एरिया, नो कमांड एरिया करते रहे बल्कि बारिश का पानी बह के समुद्र में चला गया। जब तक अपन नहीं रोकेंगे तब तक तो कुछ होने जाना नहीं है। तो हमारा यही लक्ष्य है और उद्देश्य है और शिक्षा पे हमारा यही है कि आज शिक्षा अच्छी मिले, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिक कंप्यूटर युग है, तो अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, युवाओं को, और युवा आगे बढ़े और भविष्य इनके अच्छा रहे, सुधरे, परिवार और दर पीढ़ी आने वाली भटके नहीं, ये हमारा उद्देश्य साहब। तो यह थी हमारी खास मुलाकात जिनसे हमने साझा की, देवचंद जी मावी कुशलगढ़ विधानसभा से, कहीं के अब की बार भारतीय ट्रैवल पार्टी से दावेदार भी हैं, प्लस जिला अध्यक्ष की जो है पावर कमान है अपने बांसवाड़ा जिला की वास है, तो जिनके हमने विचार लिए। साथियों कमेंट करके बताना कि कुशलगढ़ विधानसभा में आने वाली सरकार है वो किसकी होगी।